बाजी ये क्या कर रही है यहाँ पे? बाजी खाला साफ करे दी पिया। ये साफ करी क्यों बजा? जिम्मेदार आके खाला साफ कर दे। जिम्मेदारों ने कहा है जी क्यों? गरीब थी उसे मेहनत करा ले तो ना खाला साफ कर दे तो 100 रुपया दे सू। 100 रुपया देगी ये खाले उनके सारे साफ कर देती होती हैं जी हाँ। फिर कितने पैसे बन जाते हैं? 200-100 रुपया। अच्छा 100 रुपया इस खाले का बन जाएगा, जैसे 100 रुपया उसका बन जाएगा। तो डर नहीं लगता अंदर कोई सांप वगैरह बिच्छू वगैरह? बाजी डर लग दे क्यों नहीं लगता? डर तो लगता है क्यों नहीं लगता? फिर किसकी खातिर करती है? न्याणा के पिछू बच्चों की खातिर। अब आप जरा बाहर निकले, बाहर निकले। देखिए तो कितने अब जी ये देखिए कि मुश्किल हालात हैं। एक माँ अपने बच्चों की खातिर कहती है कि जब से मियाँ बीमार हुए ना मुझे जो काम कहा जाता है मैं करती हूँ, खेतों की सफाई भी करती हूँ, ये हालांकि मर्दों के काम होते हैं, मैं ये भी कर देती हूँ और जो काम भी मुझे कहा जाता है ना। भाजी आप और कौन कौन से काम करती है? या कोई का नहीं कर रहा, आप मेहनत करें जिन्हें जमीन है बा मैं मेहनत कल ही करेंगी। हाँ, मेहनत करती है यानी। जी जी सही सही। तो अब जी बाजी की हालत देखें, जूतियां देखें, कपड़े देखें, जैसे भी हैं लेकिन मेहनत करके खा रही है। माशाल्लाह हम सलूट पेश करते हैं ऐसी माँ को। तो बाजी अगर आपको बुरा ना लगे आपके घर चले? घर जो सुपाई तो बाजी साफ नहीं है अभी, ये बाजी साफ करना पड़ोसी पानी रोको दे। अच्छा ये भी जमा पाए ना ये मैं साफ कर दे सवाल। अच्छा अच्छा ये भी आप साफ करके देंगे? ये देखिए कितना गंद हो चुका है ना यहाँ पे, सारा पानी रुक जाता होगा। जी जी ये यहाँ से लेकर ये दिखाएं ना कैमरे से, दूसरी तरफ इसका नजर भी आएगा। ये साफ कीते में माए ओ करे सवाल हूँ। अच्छा ये वाला यानी कि आप अभी आपने अभी साफ कर दिया? जी जी माशाल्लाह ये तो लश पश बना दिया है। जी हाँ। और ये इसमें तो सारा अभी गंद पड़ा हुआ है ना, जी वो भी साफ कर देंगी ताकि पानी ऐसे है ना, ये देखिए जैसे ये साफ हुआ पड़े तो इसकी भी इन्हें मजदूरी मिल जाती है। जी ये तो मर्दों का काम नहीं है बाजी जी, ना मर्द होने करे नहीं करें दे। तो मेरे मियाँ तो घर बैठे, मैं तो मर्दा ना काम करें दी वदिया ना घर बैठे जी। ओ बाजी मेरे घर वाले को 10 साल थी गए। अच्छा 10 साल हो गए? जी हाँ। तो कई दिन उतरे थी दे पे 10 साल से भी ऊपर? जी हाँ। पुठियां दी चिको बने थी मुल्क दे इलाज किते मी सारा इलाज करती रही है। आप करे दे कमा कमा दे, कोई बहन भरा नेड़े नहीं लगता। एक भाई है 8 भेणी से? एक भाई 8 महीने थी? जी हाँ। वो भाई फिर नहीं साथ नहीं करेंदा देर है जन्ना छो है के छोटा उनको पाले सांब भाई से आज उनको शादी शुदा किते से। अच्छा घर बार बनाए थे? जी हाँ। माशाल्लाह बड़ा हो गया अब वो भी नहीं सपोर्ट करता ना? ओहन बोलन छोड़ते नहीं। अच्छा बोलना भी बात करना छोड़ दिया? जी हाँ। कोई बहन भरा नेड़े नहीं लगता, कोई भी कोई बहन भाई नजदीक नहीं आता। जी हाँ। मैं जाकर मेरा घर वाले बैठे मैं आप मेहनत मजदूरी करना तक करें देखा ना हमें पहले करती भी नहीं थी काम ना खाना करें मैं पहले दफा करें दी वदिया अब दुनिया जहान का हर काम। जी जी हां कढाया कि तो मैं उनको दबे घर दे मेहनत कि तो मैं बाहर दे आगे तो ओई कर के दो मैं कहीं ना रहा कढ़ाई कर लेती हैं घर का काम जी, कर लेती हैं जी जी बाहर का जो काम आता है वो कर लेती हैं। जी जी हां सारे करें नी हां। ये इससे कितना कमा लेती हैं बाजी? बाजी कोई पता का नहीं 50 देवे 100 देवे 50 दे या 100 दे? जी एक खेल का। अच्छा एक खेल का? जी जी हाँ। कोई पता का क्या नसीब कहाँ से वहां से लेकर वहां तक है? एक ना 2.5 एकड़ लाइन, 2.5 एकड़ की लाइन है? जी जी हाँ। सही सही। आपको देंगे एक लाइन का 50 रुपया? जी हाँ। आप दिन में कितनी लाइनें साफ कर लेती हैं? एक करनी है। एक? जी हाँ। क्यों? नहीं थी दिन बाजी गर्मी होती है गंद ज्यादा है। सुबह ठंडे टाइम आ जाया करें ठंडे टाइम यहाँ आते थे अगले पार अधी अगले पार कर गए से अधे पिछले पार कर गए से कुछ सुबह कर जाती हैं? जी जी हाँ। कुछ यानी कि एक टाइम में एक लाइन कर जाती होगी? जी हाँ। एक टाइम में दूसरी लाइन कर लेती होगी, जाहिर बात है मजबूरी जो है। जी हाँ। क्यों घर पे लोग बाजी के घर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। भाई जान तो बोल भी नहीं सकते हैं अब जी, बाजी सच कह रही थी। क्या हो गया भाई जान? ओहो फालिज का मसला हो गया है। कितने साल से? तकरीबन 11 साल से ऐसे भाई बैठे हुए? सब बैठे हैं 9 साल। 9 साल हो गए हैं बैठे हुए। छोटे बच्चों की तरह आप ख्याल रखती हैं तो फिर तो अल्लाह ताला ऐसी बीवियां भी सबको देख जो घर को भी संभाल रही हैं। माशाल्लाह 2 बच्चियां बड़ी हुई हैं जो कि हमने देखी हैं। एक कच्चा कमरा है उसमें गुजर बसर हो रहा है और ये एक छोटा सा सिहन है आपको नजर आ रहा है उसमें ये टमाटर उगाए हुए हैं। टमाटर भी देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो बाजी फिर मुश्किल फिर भाई जान कौन करता कौन है कमाता कौन है कैसे गुजर रही है जिंदगी?
घर वाली मजदूरी करती है। आप जब थे तो आप क्या काम करते थे? आप पहले मजदूरी करेंगे। अच्छा, मजदूरी क्या हुआ था? फालिश तो हुआ था, हुआ कैसे था? समझ ही नहीं आई। कोई बुखार शुखार हुआ था? अच्छा, पट्टे कमजोर हो गए, बैठ गए, कुछ कर नहीं सके। ये इनका घर है अबू जी। ये भी लकड़ियाँ कौन लाता है? ये भी आप ले आती हैं, बेचती हैं? तो अबू जी देखिए कि बाजी कौन सा काम नहीं करती हैं, बच्चों को पालने की खातिर। ये देखिए छोटी छोटी लकड़ियाँ चुन के आती हैं। ये कितनी होगी? एक मन कितने की? 500 रुपए मन देंगी ये। इतनी सारी चुन के आएंगी, उठा के कौन आता है? खुद। पूछिए देखिए कितनी हिम्मत वाली बात है बाजी, खुद यानी कि ये उनको उठा के लाती हैं। और हैरत है ऐसे हालात पे पूछिए आजकल के दौर में हो सकते हैं। ये बड़ा बेटा है, आप क्या करते हो? काम करते। ओए सदके, क्या काम करते हो? दर्दियों का। कहाँ पे? वहाँ पर। नाम क्या है आपका? अदनान। कौन से कपड़े सबसे अच्छे सी लेते हो? तो अबू जी बाजी के लिए माशाल्लाह बहुत सारा सामान आ गया है। तो आइए आपको ये सारा, हाशिम कैंची ले आयो, सारा सामान ओपन करते हैं और अभी दिखाते हैं कि बाजी के सामान में क्या क्या मौजूद है। ये इनके लिए घी आ गए हैं सारे। ये देखिए ये घी है, और ये चावल, गुड़, चीनी, बूंदी, कढ़ाई गोश्त, बिरयानी मसाला, सर्फ है, शैम्पू है, और हर किस्म का इसमें सर्फ मौजूद है, और इसमें नीमको वगैरह मौजूद है, इसमें हल्दी मौजूद है, इसमें मिर्चें मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ये 2-3 पैकेट पापड़ों के हैं, उसके अलावा ये सारे बिस्किट्स, चॉकलेट, ये माचिसों के डिब्बे, और ये इसके अंदर कैंडीज मौजूद हैं, और आगे सारी टॉफियाँ वहाँ पर, ये कुछ पैकेट हैं। और उसके अलावा आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ दालें मौजूद हैं, और उसके अलावा ये हमने इसके अलावा ये मसाले लिए हैं, जैसे धनिया है, हल्दी है, ये गरम मसाला है, ये इलायची है, और ये बेकरी का सारा सामान है। उसके अलावा ये कुछ डिब्बे हैं, डिब्बों में क्या है आपको दिखाते हैं। लॉलीपॉप का डिब्बा है, और उसके अलावा ये जेली का डिब्बा है, और उसके अलावा ये जो हैविट की टॉफी है, गर्मी सर्दी हर मौसम में ये बिक जाती होती है। हाँ जी, ये एक अबू जी ने बीच में से टॉफी तो और उसके अलावा ये चूरन की, ये तो बड़ी भी बिकती हैं गांव में। और इसके अलावा ये चॉकलेट्स की लॉलीपॉप है, चॉकलेट वाली, और उसके अलावा ये बादामी टॉफियाँ, और इसी किस्म के बच्चों के खाने की चीज़ें ये मौजूद हैं। तो बाजी इससे आपका क्या कहते हैं सर्कल स्टार्ट हो सकेगा घर से, घर का? ठीक, टेम्पू के साथ बेच रहा है। तो बाजी माशाल्लाह आप खुश हैं? जी माशाल्लाह खुश है। अच्छा, इससे आपको क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होती बाजी, जैसे कि जब मेरा घर का बंदा मरीज है जी हाँ, तो ये बहुत सारे सारे वास्ते सब कुछ आ चुके बाजी। कल पहुंची बाजी जी 1200 रुपया आवे सी घर का। हाँ जी हाँ, परेशानी दूर थी वे सी। चलो चलो, छोटे छोटे न्याणे हैं, चलो बस है, सही सही। चलो मेरा घर का बंदा दे बस, चलो घर का बंदा भी दे लेगा जब मैं नहीं होंगी, तो जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो मेरा घर तो चल तो सकते नहीं है। चलो बैठे बैठे वो बच्चे को भी कह देंगे ये भाई ये पैसे देके ये सामान उठा लो, जैसे अभी बच्चा आया, शैम्पू की चार साशे भी गए हैं। इतनी खुशी के साथ अब जी हम लोग भी चलते हैं। अच्छा बाजी, ये आपकी जो बिक्री हुई है ये लें जी, और एक टॉफी का डब्बा। डब्बा कौन से वाला मुझे बताए तो सही, ये वाला ठीक है, ये वाला पूरा कितने का होता है आप ही? अब जी ये कितने का होता है डब्बा? 100 रुपए का है ना ये बाजी? 100 रुपए का पूरा डब्बा लिया है मैंने आपसे। और इधर आ जाओ बच्चों, मुफ्त में ये क्या, बच्चे तो आदि हो जाएंगे बाजी, आपने मुफ्त में कुछ नहीं देना। हाँ जी, तो माशाल्लाह देहात के बच्चे हैं, बहुत खुश होते हैं। और ये हाशिम एड्स का भी चैनल है, टूर एंड ट्रेवल के नाम से, और ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग बांटते रहते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे भी ये काम जारी रख सके। तो हाशिम आप अपनी और आज की वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे 3786 को, अल्लाह के नाम पर दिया है, फिर फरमाने आमीन सुम्मा आमीन, और इन सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे सकते हैं, और हम छोटी छोटी खुशियाँ मांगते हैं।
व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।